नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि, मैं सुरेश गौर ट्रिपल एस एन डिटारो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जनरल सिंगल्स के लिए रीडिंग करेंगे। जो सिंगल्स हैं या किसी भी रीजन से अपने आप को सिंगल मानते हैं, या तो अभी तक वो अनमैरिड हैं, या किसी से रिलेशन हुआ ख़त्म हो गया, या फिर अटैचमेंट फील करते हैं उनके साथ डील की हुई है, लेकिन फिलहाल के लिए जो दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सन साइन, मून साइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। और ये 6 से लेकर 12 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, वहाँ जाकर चेक कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बातें कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं लिब्रा आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और इन दिनों कोई नया पर्सन आ रहा है आपके आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील करते थे, अगर उनका आप वेट और इंतजार कर रहे हैं तो क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है, टेम्परेंस, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में जो था काफ़ी तनाव रहा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, और अभी भी उस दर्दनाक हादसे से, उस परेशानी से हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो या फिर उनको धोखा मिला हो। तो अभी भी उस परेशानी से, इस दुविधा से आप बाहर नहीं निकल पाए हैं, अभी भी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, इसलिए इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, और इस रिश्ते से आप लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं। आपको लगता है कि जब तक ये इस रिश्ते में रहेंगे, जब तक डावाडोल ये रिश्ता रहेगा, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी और लड़ाई झगड़ा वाद विवाद रहेगा। अगर तो अभी फिलहाल के लिए आप इस रिश्ते में, हालांकि आपको कोशिश कर रहे हैं कि जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, जब आप इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे, तो दोबारा से इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से, उस पनौती से, उस रुकावट से जो इस रिश्ते में पनौती दे रही है, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई बाहर के हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई जो भी है, उन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए अभी आप, क्योंकि स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, एंगर और गुस्सा आपके सिर पर चढ़कर बोल रहा है या फिर सामने वाला ऐसा है, तो इसकी वजह से आप इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए अभी लाइफ में या तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक आप इसको, इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। देखते हैं लिब्रा प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी बता रही कि अगर दिल से ना सोचकर दिमाग से आप काम लेंगे कि लाइफ में आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाना है, कैसे ये जो परेशानी, दुविधाएं, तकलीफें हैं ये ख़त्म होंगी, तो इन चीज़ों से आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, जब आप आगे बढ़िए तो कदम, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। हो सकता है कि एज डिफरेंस इसका कारण बनी हुई हो, ये नई एनर्जी हो तो, लेकिन इमैच्योर एनर्जी जो है ये नई यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर रुक कर सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और ये क्लैरिटी लाएंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो जो दुख के बादल हैं वो छटेंगे और एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। समय और वक्त लगेगा लेकिन चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी जो है काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस समय, जिन चीज़ों से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, परेशानी और दुविधा थी, तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके वो आपके फेवर में आ जाए
और दिल और दिमाग से आप काम लेंगे तो आपकी बात बन जाए। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट। आप अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं। आपको लगता है, हो सकता है कि आप किसी को ऑलरेडी जानते हैं, जिसके थोड़ा सा कड़वा बोलने के कारण, तीखा बोलने के कारण, वाणी पर कंट्रोल ना करने के कारण आपका जो है दूरियां आ गई थी उस चीज़ में। तो वहाँ आपको लग रहा है कि अगर थोड़ा सा प्यार और प्रेम से बोला जाता है, कड़वाहट को ख़त्म करते हुए कर देते हैं, तो जो भी परेशानी दुविधाएं रही हैं वो सारी ख़त्म होंगी और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे तो वो रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सकता है। खुशियां आ सकती हैं वापस, जो रिश्ता बनते बनते रुक गया था या ख़त्म हो गया था, पार्टनर के रूप में आपके लाइफ पार्टनर के रूप में बनने के लिए तैयार है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, वो चाहता है कि आपके साथ रिकॉन्सिलेशन हो, यानी कि जो चीज़ें दूरियां बन गई थी, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, या कोई जिनको आप ऑलरेडी जानते थे लेकिन किसी कारण से वो दोस्ती जो है आपकी लाइफ पार्टनर के रूप में नहीं हो पाई थी, तो वहाँ वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक वॉरियर पर्सन की तरह, यानी कि जैसे रणभूमि में सिपाही डट कर मुकाबला करता है, पीछे नहीं हटता, तो उसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है और आपके साथ वो चाहता है कि बजाय कि अगर चीज़ों को यूज़ किया जाए इंसानों की बजाय, तो ये रिश्ता काफ़ी प्यार और प्रेम के साथ बढ़ सकता है। अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, इसमें स्टैंड लेंगे, तो जो दोस्ती है, जो कड़वाहट है, जो दूरियां हैं, वो एक अच्छे प्यार में तब्दील हो सकती हैं। आपका अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकते हैं और वो बहुत जल्दी ही आपसे टूर ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। खड़ी हुई एनर्जी है तो जल्दी ही आपके पास आएंगे, जल्दी ही रिश्ता हो सकता है। तो देखते हैं, पास्ट, अगर कोई किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे या अटैचमेंट फेल करते थे या किसी भी रीजन से आपका रिश्ता खत्म हो चुका था, तो वो वापस आने के क्या चांसेस हैं। पास्ट एनर्जी, पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। एस ऑफ कप्स, द हैंग्ड वन एंड द मून। तो जो पास्ट पर्सन है, उनको, जिसके लिए आपको डाउट हो रहा था, परेशानी हो रही थी आपको या आपके पार्टनर को, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब धोखाधड़ी, कुछ ना कुछ हो रहा है जो आपकी पीठ पीछे हो रहा है, जो आपसे छिपाया जा रहा है, तो उसकी वजह से आप जो है नेगेटिव बन चुके थे, रिश्ता थम गया, रुक गया, हैंग हो गया। लेकिन अभी क्या है कि आप सोच रहे हैं, जो पास्ट पर्सन है उनको लग रहा है कि बजाय के तीसरे पर्सन की, बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के, जो अननोन फियर हैं, जो सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, जो सपने दे सब नेगेटिव जो सपने हैं, उनको अगर आमने सामने बैठकर बातें कर ली जाती हैं, तो जो पनौती बाधाएं रुकावटें हैं इस रिश्ते के बीच में, वो सारी ख़त्म हो सकती हैं, सारी क्लियर हो सकती हैं और स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, इस रिश्ते को हील करेंगे, यानी कि यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, उन पर विश्वास करेंगे, तो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। तो या तो अपने नज़रिए से या सामने वाले के नज़रिए से अगर चीज़ों को देखेंगे, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता हैंग हो चुका था, तो यूनिवर्स जो नए आइडियाज़, नए मौके दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो भाग्य साथ जो दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट अगर करेंगे और उसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे,
ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है दुख के बादल ख़त्म होंगे और जो डर जो भय जो एक दूसरे के प्रति बना हुआ है, जो एंजाइटी स्ट्रेस है, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे और एक अच्छी बिगनिंग धीरे धीरे करके जो एक जो बिगनिंग एक शुरुआत है वो ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। लेकिन आगे जाकर ये रुका हुआ रिश्ता अगर आप अपने आप को बदलेंगे, चेंज करेंगे, नेगेटिविटी से बाहर आएंगे तो एक अच्छी बिगनिंग एक अच्छी शुरुआत आगे जाकर हो सकती है। यानी कि नए और पास्ट पर्सन दोनों की एनर्जीज पॉजिटिव दिखाई दे रही है, तो लेकिन अगर आप नए पर्सन की तरफ जाएंगे तो वहाँ कुछ एनर्जीज और भी अच्छी दिखाई दे रही है। पास्ट पर्सन की भी एनर्जीज हो सकता है कि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो, एक दूसरे पर डाउट्स हो रहें, एक दूसरे को पर विश्वास भरोसा ना हो, लेकिन जैसे यूनिवर्स पर भरोसा करेंगे, हीलिंग करेंगे इस रिश्ते को, मेडिटेशन करेंगे, अब बजाय के दूसरे पर्सन की बातें मानने के आमने सामने क्लैरिटी लाएंगे तो वो गीले सिकवे ख़त्म होंगे और पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स जी की क्या है। तो कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, अपनी समझदारी के साथ एक्शन ले लीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें समझदारी नहीं दिखाएंगे, चुप नहीं रहेंगे, खामोश नहीं रहेंगे, अभी रिश्ता बनने से पहले ही किसी को इसका ढिंढोरा पीट देंगे तो परेशानी आ सकती है। और यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि जो भी राजमिस्ट्री रही है एक दूसरे के सामने क्लियर कीजिए, उन चीज़ों को क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, कोई चोरी चकारी नहीं, कोई हेराफेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं, किसी की भावना के साथ नहीं खेलना है, बिल्कुल और साफ और स्पष्ट इस रिश्ते को रखना है। अगर क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ कोई बिना राज रखे, बिना मिस्ट्री के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़ लेकर जाएंगे, एक मैसेज लेकर जाएंगे, तो चीज़ें धीरे धीरे करके आपके फेवर में आ सकती हैं। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि अगर आपको लग रहा है, कुछ केसेस में हो सकता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो रहा है, आपसे कुछ छिपाया जा रहा है, आपके पार्टनर लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो वो आपसे छिपा रहे हैं, आपसे बता नहीं रहे हैं, तो आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए, अपने अपनी तरफ ध्यान दीजिए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए, भरोसा करिए। और अगर लाइफ में कोई फिर नया पार्टनर बन मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उधर पड़िए, इस रिश्ते को छोड़ दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।